कौन है? अरे कौन है? अजी सुनती हो, तुम्हारा लाडला बेटा मुझे सोने नहीं दे रहा है, मेरे ऊपर पानी गिरा रहा है। नींद से जागो अजी प्राणी, मैं अपने लड़के को अच्छी तरह से जानती हूँ, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। देखो देखो कैसे खिलखिला रहा है, उठाकर खिड़की से बाहर फेंक देंगे, पानी डालते हुए शर्म नहीं आती अपने बाप पे? पापा मैंने पानी नहीं डाला, मैं सच बोल रहा हूँ। लो सुन लिया, हो गई तसल्ली, मेरा लौंडा कभी भी झूठ नहीं बोलता है। तो फिर ये बताओ रजाई गड्ढे कैसे भीग गए, मेरे मुंह पर पानी कैसे आया, बोलो। पापा वो तो मैंने टॉयलेट किया था लेकिन पानी नहीं डाला, सच बोल रहा हूँ पापा। क्या टॉयलेट? अरे मैंने तो पी भी लिया था थोड़ा सा, मुझे लगा कि नमक का पानी होगा, गर्म करके डाला होगा, ठंडी का टाइम है, शर्म नहीं आती अपने बाप पे टॉयलेट करते हो गधा। आती है, और उस दिन तो बहुत शर्म आई थी जब पता चला कि ये भूखा नंगा आदमी मेरा बाप है। अरे देखो चार दिन का लौंडा कैसे बात बना रहा है, नालायक, तेरे दिल में बाप के लिए इज्जत नहीं है क्या? रात के 12 बज रहे हैं, अपना टंकी बंद करो और सो जाओ, वरना मुझे मसाला देने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। अरे 12 बज रहे हैं लेकिन तुम्हारा बड़ा लौंडा तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, ये ससुरा इतनी रात को कहाँ गया? अरे सोया तो तुम्हारे पास नहीं था, कहीं घर से निकल तो नहीं गया? तुमने उसे खरी खोटी सुनाई थी ना, कान खोलकर सुन लो, अगर वो नहीं आया तो मैं तुम्हारे कान काट के चौराहे पे टांग दूंगी। हिलना मत वरना पूरा पिछवाड़ा गोली से भर दूंगा। और अब बता सोना किधर है? अंदर पलंग पर। क्यों बे नाटक करता है, अंदर पलंग पे तो बिस्तर लगा है। तो फिर चोर भाई साहब नीचे सो जाओ, आपकी मर्जी है, घर आपका ही है, है? अबे ससुरे मैं उस सोने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सोना चांदी की बात कर रहा हूँ। अच्छा वो सोना, वो तो हमें सोने के बाद कभी सपने में भी नहीं दिखाई देता, क्या बताएं बहुत गरीबी है। अरे चोर भाई साहब ये झूठ बोल रहे हैं, मैं आपको 10 रुपए देती हूँ, आप इस आदमी को गोली मार दो प्लीज। अरे कलसी उड़ाते ससुरी, आप बंदूक मुझे दीजिए। अरे नालायक तू, चोर बनकर अपने ही घर में डाका डाल रहा है, अपने ही बाप को लूट रहा है, रुक अभी फोन करता हूँ पुलिस को। अरे रुको रुको मेरी बात तो सुनो, ये मेरा नया बिजनेस है, मैं अब कमाने लग गया हूँ, अब मैं आपका मोबाइल नहीं चलाऊंगा क्योंकि मैं आपकी तरह नकारा नहीं बनना चाहता। अरे वो तो ठीक है पर मेरा मोबाइल है कहाँ, मिल नहीं रहा। अरे वो तो मैंने बेच दिया। बेच दिया पर क्यों? अरे वो होता तो हम काम नहीं कर पाते, उसी में गेम खेलते रहते। हे भगवान ये धोखे में कैसी औलाद पैदा हो गई हमसे, मेरा तो जीवन ही दुखी हो गया है, चल जितने का मोबाइल बिका वो पैसा मुझे दे। अरे डैड उन पैसों का हम बंदूक ले आए, जब ही तो नया धंधा चालू किया है। मेरा मोबाइल बेच कर बंदूक ले ली, नालायक तेरी गुड्डी पे कंटाप जड़ना ही पड़ेगा। खबरदार जो मेरे लौंडे के हाथ लगाए तो हाथ मरोड़ कर तेरा कर दूंगी। अरे पापा नाराज क्यों होते हो, तुम्हारे मोबाइल का पैसा एक दिन में कमा कर दे दूंगा, बिजनेस जो ऐसा किया है मैंने, मैं अभी जाता हूँ और पैसे कमा कर लाता हूँ। ये लो 5,000 रुपए और अपनी बकवास बंद करो और चुपचाप सो जाओ, बाकी कल कमाऊंगा। अरे बड़ी जल्दी ले आए, मेरा बिजनेस ही ऐसा है, नजर मत लगाओ सो जाओ। अरे बेटा अभी दिन निकलने में बहुत समय है तो इसलिए एक बार आओ, हो सकता है इस बार मोटा माल हाथ में लग जाए और अपने बाप को भी साथ ले जाओ। अरे नहीं मैं ऐसे घिनौने काम नहीं करता हूँ, मुझे इस चक्कर में मत डालो, मैं शरीफ आदमी हूँ। मुझे मत पढ़ाओ, मैं जानती हूँ तुम कितने शरीफ आदमी हो, जब तुम मुझे लेने गए थे तो मेरे बाप का लास्टिक वाला निक्का चुरा लिए थे और तुम्हारा बाप हुक्के की चिल्लम में से तंबाकू चुराता था। इसका मतलब मैं खानदानी चोर हूँ, आप मेरे साथ चलो आपको तजुर्बा भी है। अरे लेकर जाओ इन्हें, और कोई दिक्कत वाली बात हो तो अपने बाप को आगे कर देना और भाग आना। अरे अरे लेकिन